इस टाइप का सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इस टाइप का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, चंद सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 7 पे पावर 13 + 1 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमको देखना है कि पावर में सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या होगा तो अलग रूल है, विषम संख्या होगा तो अलग रूल है। तो अगर यहाँ विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो जो संख्या दिया हुआ यहाँ 7, यहाँ पे संख्या क्या दिया है 7। तो अगर यहाँ पावर में विषम संख्या रहेगा तो यहाँ पर पावर में या तो 1 लेना है या तो 3 लेना है। तो 1 भी ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। तो पावर में 1 या 3 लेना है, कब, जब विषम संख्या रहेगा। तो अब पावर में यदि सम संख्या रहेगा तो पावर में 2 या 4 में से कोई एक लेना है, ठीक है। पावर में विषम संख्या हो तो क्या लेना है, 1 या 3, और सम संख्या हो तो क्या लेना है, 2 या 4। तो इस सवाल में पावर में है विषम संख्या, तो क्या लेंगे पावर में, 1 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। तो हम 1 लेके बनाते हैं, तो 7 पे पावर हो गया 1, और इसमें है +1, अब भागा है 6, ठीक है। तो 7 पर पावर 1 का मतलब तो 7 ही होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 में अगर 6 से हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखिए कितना आसानी से यह बन जाता है, ठीक है। अब इसी में मान लेते हैं कि यहाँ पावर में, अगर पावर में 16 रहता, 7 पे पावर 16 अब भागा है 6, चलिए 1 को हटा देते हैं, 1 तो आप जोड़ घटाव कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में सवाल है तब क्या करेंगे, तो अभी बताएं कि पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो क्या लेना है, 2 या 4, तो 2 ले लेंगे। इसमें भाग करना किससे, 6 से, तो 7 पे पावर अगर 2 देते हैं तो 7 सतह कितना हो जाता है, 49, और 49 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 6 = 42, 6 = 48, शेष क्या बचेगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से आसानी से इस टाइप के सवाल को हल किया जा सकता है। अब चलते हैं एक और ट्रिक बताते हैं इसी वीडियो में। अब मान लीजिए आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाएगा, देखने में तो यह सवाल बहुत बड़ा सा लगता है, इसमें इकाई का स्थान पूछा है, ठीक है। तो इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है आपको, घबराना नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं, बहुत ईजी है। सबसे पहले देखना है आपको कि जो संख्या दिया हुआ है, जैसे 25 है 36 है 73 है, तो इसका इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक पे 0, 1, 5 या 6 रहे तब तो उसका जो है इकाई अंक वही रह जाता है, तब सेम होता है, ठीक है। 0, 1, 5, 6 रहने पर इकाई अंक वही रह जाता है। तो इसमें देखिए 25 वाला में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसका इकाई, इस सब का सॉल्यूशन करके इसका हो गया 5, ठीक है। कब कब सेम होगा, जब इकाई अंक पे 0, 1, 5 या 6 रहेगा तब, नहीं रहेगा तो उसके लिए अलग नियम है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 6 है, ये दोनों का तो हो जाएगा, इसमें नहीं होगा तो बता रहे हैं क्या करना है। तो ये 0, 1, 5, 6 रहेगा तो सेम हो जाएगा, तो इसमें 5 है, तो 5 है तो इसका इकाई अंक सॉल्यूशन करके 5, पावर में कितना भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें इकाई अंक 6 है तो इसका 6 ही होगा, ठीक है। अब बच गया इसमें, इसमें तो उस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो पावर में संख्या दिया है उसमें 4 से भाग देना है। तो अगर हम 54 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बच जाएगा, 2। तो जो शेष बचेगा वह शेष को इसमें जो इकाई अंक पे संख्या है 3, यहाँ पे जो भी रहेगा सवाल में, तो यहाँ 3 है, तो उस शेष को यहाँ पावर के रूप में लिख देना है 4 से भाग दे करके, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो 6, 5 इधर हो गया 11, इधर 3 का और हो गया 9, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 20, तो 20 का इकाई अंक क्या है, 0। यहाँ पूछ क्या रहा है सवाल में।